जय भीम। नमो बुधाथियो साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या वास्तव में इस अवधारणा की भारत को ज़रूरत है? क्या वास्तव में जो प्रधानमंत्री मोदी भारत को, भारत के लोगों को जो सपना दिखा रहे हैं, क्या वास्तव में उस सपने को देखे जाने की भारत के लोगों को आवश्यकता है? अगर वास्तव में ज़रूरत है तो निसंदेह उस अवधारणा पर काम करना चाहिए। या फिर इस बात के पीछे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी यानी कि आरएसएस की एक बहुत पुरानी साजिश है। जी हां साथियों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और खोजने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत में जिस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसके असली मायने क्या हैं और उसके पीछे जो है कौन सी वो गहरी साजिश है जिसको आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अंजाम देना चाहती है। तो साथियों, इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मनुवादियों के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और उन चैनल्स पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो आप जानते ही हैं कि मनुवादी अपने चैनल्स के थ्रू जो है कौन सी बात का प्रचार प्रसार करते हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश में हिंसा की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, इस देश को सांप्रदायिकता का माहौल देने के लिए ये मनुवादी मीडिया, मनुवादी यूट्यूब चैनल कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो वे अगर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं ये सब नकारात्मक और देशद्रोही बातों को फैलाने में, उनका प्रचार करने में, तो बहुजन मीडिया, बहुजन लोगों का भी एक कर्तव्य है कि वे भी कोई कोर कसर ना छोड़ें उन सभी ऐसी बातों का विरोध करने में जो कि देश के विरुद्ध हैं, जो कि देश के लोगों के खिलाफ हैं। साथियों, 1951-52 से लेकर जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए, तब से लेकर 1967 तक लोकसभा चुनावों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हुआ करते थे। यानी कि जिस अवधारणा की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वह संविधान के लागू होने के बाद एक स्वाभाविक क्रिया थी, लोकतंत्र की एक स्वाभाविक क्रिया। लोकतंत्र में कभी भी इस बात की मांग नहीं की जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक मजबूरी वाली बात होती है। यानी कि जब 1967 में पहली बार देश में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं, तब ये जो सिलसिला था ये टूट गया, नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। यानी कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुआ और उसमें अपने आप से वो चेंज देखने को मिला। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर बहुत बढ़ चढ़कर जोर दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या क्या कारण बता रहे हैं, क्या क्या वजह बता रहे हैं, उनको भी हमें जान लेना चाहिए। पहली वजह जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताई है वो यह है कि सरकार का इस चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर धन खर्च होता है। दूसरी वजह बताई है कि एक लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया में जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनको संलग्न रहना पड़ता है, जिससे कि उनके पास जो नेचुरल काम है, जैसे कि आप देखते होंगे कि चुनाव के दौरान जो स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं उनको चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो वहाँ पर एंगेज हो जाते हैं। तो टीचर्स की जो पहली ड्यूटी है वो है छात्रों को पढ़ाना, लेकिन उस दौरान जो है उनको वह काम छोड़कर और चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराना पड़ता है। और तीसरी वजह जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं वो यह है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस दौरान विकास संबंधी बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो ये जो तीन आधार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तुत किए हैं, अगर इनकी हम जांच करना चाहें तो हम पाते हैं कि जो खर्च संबंधी बात है, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो भारत की आय थी, भारत की आय के जो साधन थे वो बहुत कम थे। उनके मुकाबले अगर आज हम बात करें तो आज भारत के पास
ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आती है। दूसरी बात, अनाप शनाप बातों में जो खर्च किया जाता है, नरेंद्र मोदी जो अपनी ड्रेस पर ही लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं अपनी हवाई यात्राओं में, अपनी चुनावी जनसभाओं में, और न जाने किन किन मदों पर जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है उनमें लाखों करोड़ों रुपया जो है व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, वो सारा सरकारी पैसा होता है। इसी तरीके से जो दूसरा कारण बताया है नरेंद्र मोदी जी ने कि बहुत लंबे समय तक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने मूल कर्तव्य से, मूल कार्य से विचलित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो साथियों, इसके लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। और जब आप ठेकेदारी प्रथा के आधार पर आप बहुत सारे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, आप सफाई के काम को ठेकेदारों के द्वारा करवा सकते हैं, आप सड़कों का निर्माण हो, आप इमारतों का निर्माण हो, ये सारे कार्य जो कि सरकारी कार्य हैं इनको भी ठेकेदारी के तहत आप करवा सकते हैं। आप जो छात्रों के जो एग्ज़ाम हैं उनको लेने के लिए भी आप अगर प्राइवेट एजेंसियों को ठेकेदारी देकर इंगेज कर सकते हैं तो चुनाव कराने के लिए भी आप ऐसा ही कोई विकल्प देख सकते हैं। यानी कि ये हमें सरसरी तौर पर केवल एक बहाना ही दिखाई दे रहा है और बहाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बताने का कार्य किया है वो है कि आचार संहिता लागू हो जाने पर बहुत लंबे समय तक विकासात्मक कार्य नहीं हो पाते। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें कि 5 साल में कितने चुनाव होते हैं, अगर बहुमत की सरकार आए तो केवल 2 चुनाव जो हैं एक राज्य को देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अब जो ये 3 कारण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बताए हैं जिनके आधार पर वो चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो नीति है वो लागू होनी चाहिए, अब उसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्या क्या करना पड़ेगा और अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक समिति का निर्माण किया जिसको ये कार्य सौंपा कि भाई बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को यह काम सौंपा गया, उनकी चेयरमैनशिप में यह कमेटी बनाई गई जिसमें कि अमित शाह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सदस्य हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी जो कि राज्यसभा से विपक्ष के नेता हैं, हरिसेन सालवे जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, ऐसे लोगों को इस समिति में रखा गया। इस समिति ने तमाम गहन जांच और चर्चा करने के बाद 18,000 पेज की बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च 2024 को सौंप दी, जिसमें यह कहा गया कि 2029 तक सभी चुनाव जो हैं उनको लंबित करना होगा। यानी कि अभी जो विधानसभाएं जिनका कार्यकाल 2025-2026 तक पूरा होने वाला था तो उनको एक्सटेंड करके 2029 तक का समय दे दिया जाएगा और वो वैसे ही कार्य करती रहेंगे। तो या तो उनको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर दूसरी व्यवस्था जो भारत के संविधान में है वो ये है कि इस राष्ट्रपति की राष्ट्रपति शासन लगाकर 2029 तक राष्ट्रपति शासन के द्वारा उन राज्यों का जो कार्य है उसको संचालन किया जाए। तो जो दूसरी व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन की, तो उसके लिए तो व्यवस्था संविधान में है, लेकिन जो पहली व्यवस्था कि उनको एक्सटेंड कर दिया जाए 2029 को, ये संविधान के भीतर ना तो कोई व्यवस्था है ना ही किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये व्यवस्था आती है, और लोकतंत्र का जो सिद्धांत है इस बात के लिए कभी भी इसको मंजूरी नहीं दे सकता है, ये सर्वदा लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ बात है। वन नेशन वन इलेक्शन के जुमले को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान में कुल 18 संशोधन करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 83 जो कि सदन दोनों सदनों की जो अवधि है उसके संबंध में है, अनुच्छेद 172 जो कि राज्य के विधानसभाओं की अवधि के संबंध में है, अनुच्छेद 324A जो कि पंचायत और निकायों के जो चुनाव हैं
उनके संबंध में है। और अनुच्छेद 325 जिसके तहत राज्य चुनाव आयोगों की मदद से एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को सशक्त बनाने से संबंधित है। तो इन कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के बाद ही इस जुमले को अमली जामा पहनाए जाने की संभावना है। इस दौरान जनता से जो प्रतिक्रियाएं मांगी गईं, हालांकि जनता इस पर प्रतिक्रिया दे इसका कोई प्रचार प्रसार अच्छी भली भांति तरीके से नहीं किया गया, फिर भी 21,558 प्रतिक्रियाएं सरकार को प्राप्त हुई, जिसमें से 81% जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर 1,50,00,000,000 लोगों की आबादी हो जिस देश में, उसमें केवल 21,558 प्रतिक्रियाएं भारत सरकार को इस मुद्दे पर प्राप्त हुई हैं। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको कुछ सोचने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में सरकार ने ईमानदारी से इस प्रस्ताव पर, इस बिल पर लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं? क्या वास्तव में उन प्रतिक्रियाओं को ईमानदारी से नोट किया गया है? अगर सरकार जो है ईमानदारी से लोगों से प्रतिक्रियाएं नहीं मांग रही है, तो क्या इसके पीछे किसी षड्यंत्र की बू आपको नहीं आती है? ये सभी सवाल जो है आपको करने चाहिए, आपको सोचने चाहिए और आपको इसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए वहाँ पर NDA को और भाजपा को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और यही हार की संभावना अन्य राज्यों में जहाँ पर भाजपा की फुल फ्लैश सरकार है, भाजपा और NDA की फुल फ्लैश सरकार है, वहाँ पर भी यही संभावना अब भाजपा को दिखाई दे रही है। तो क्या इस संभावना को नकारने के लिए, इस संभावना से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी राज्य की विधानसभाओं को 2029 तक उनका कार्यकाल बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ऐसा चाहते हैं? मुझे कई विपक्षी दलों ने इस योजना का बहुत विरोध किया है और उनका कहना है कि भारत के कई क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। कई छोटे क्षेत्रीय विपक्षी दलों ने इस कदम को मोदी की हिंदू दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान संघीय शासन प्रणाली को ख़त्म करके राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की ओर बढ़ने और देश को बहुदलीय लोकतंत्र से एक में बदलने का प्रयास बताया है। अभी इस पर और आगे चर्चा करेंगे, षड्यंत्र की जो बू आ रही है उस षड्यंत्र को जानने का प्रयास, पहचानने का कार्य करेंगे। विपक्षी दलों ने यह भी कहा है कि इस कदम से जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर 5 साल में केवल एक बार चुनाव होंगे तो सरकार को ज़्यादा माथा कपच्ची नहीं करनी पड़ेगी, जो भी घोटाले करने हैं वो एक बार में कर लेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी इस प्रताप के जरिए एक राष्ट्र कोई चुनाव नहीं के परिदृश्य की तैयारी कर रहे हैं। जो समिति इस बिल के लिए बनाई गई उसको एक धोखा बताते हुए जो समिति के सदस्य हैं चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि समिति का वह हिस्सा ही नहीं थे, यह दिखावा मात्र था, केवल जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी आपको गारंटी देनी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार कठपुतली समिति की नियुक्ति के साथ प्रक्रिया में तेजी ला रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को मिलाकर भाजपा को लोकसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतने और संविधान में जमीनी स्तर पर व्यापक बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त राज्यों में जीत हासिल करने की उम्मीद है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव मोदी सरकार का पतन होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आग से खेल रही है और वे न केवल अपने हाथ धोएंगे बल्कि सरकार को भी नष्ट कर देंगे। अब अगर मोदी जी की इस बात की थोड़ी सी हम जांच पर करना चाहें तो मोटे मोटे तौर पर ये बात बहुत अच्छी लगती है। देश का प्रत्येक नागरिक चाहेगा
कि 5 साल में केवल एक ही बार चुनाव हो जाएं तो सरकारी खर्च जितना अधिक होता है उस पर लगाम लगेगी, बच जाएगा और वो जो है देश के विकासात्मक कार्यों में खर्च हो जाएगा। लेकिन चाहे जितना मर्जी आप व्यय बचा लीजिए, कभी भी बचाया हुआ पैसा देश के विकास कार्यों में लगता ही नहीं है। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। जहां 2014 में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में लगभग 60 रुपया थी, आज वही कीमत लगभग 84 रुपया है। क्या इसकी वजह यही मोदी जी की जो बात है, क्या वही है? क्या मोदी जी की बात को मान लेने के बाद जो रुपये की कीमत है उसमें सुधार देखा जाएगा? लेकिन अगर हम एक और सैद्धांतिक बात की चर्चा करें कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो सबसे पहले जो एक राष्ट्र की बात मोदी जी कह रहे हैं कि क्या वास्तव में भारत एक राष्ट्र बन गया है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से भारत अभी भी एक विकसित राष्ट्र नहीं है, एक विकासशील राष्ट्र है, यानी कि विकास की ओर उन्मुख राष्ट्र है, उसी तरह से एक राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर राष्ट्र है, लेकिन अभी एक राष्ट्र बना नहीं है। एक राष्ट्र ये कब बन जाएगा? जब इस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान है वो सभी एक हो जाएंगी। धार्मिक मामलों में आपस में कोई कलह नहीं होगी, जातीय आधार पर जब इस राष्ट्र में कोई भेदभाव नहीं होगा, जब एक व्यक्ति को दी जाने वाली सहूलियतों का दूसरे लोग विरोध नहीं कर रहे होंगे, जब इस देश के सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ बिना किसी कलह कलेश के रह रहे होंगे, तब कहा जाएगा कि भारत एक राष्ट्र है। अभी तो लगातार नरेंद्र मोदी जी ही ऐसी बातें करते हैं जिससे कि ये देश राष्ट्र की ओर ना बढ़कर बल्कि ये विभिन्न संप्रदायों में जातियों में बटा रहे। अभी पिछले दिनों हमने मुख्य न्यायाधीश के घर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणेश पूजा करते हुए भी देखा, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए संविधान और संविधान के प्रावधान कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्हें ना तो अपनी इज्जत की फिक्र है, ना ही इस देश की गरिमा की फिक्र है। संविधान की तो बात ही छोड़ दीजिए। पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लगातार हमले होते आए हैं, उनके न्यायिक चरित्र पर सवाल उठते आए हैं, उनकी ईमानदारी लगातार जांच के घेरे में आती रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी गणेश पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं। दूसरी बात, आप जो है जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपकी बहुत अधिक रुचि गणेश पूजा में या हिंदुओं के अनुष्ठानों में आपको दिखाई देती है। आप सरकारी इमारतों का भी जो उद्घाटन है वो हिंदू रीति से कराते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जहाँ की भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्वों को शामिल किया गया ताकि इस देश में किसी भी धर्म के लोगों को ये एहसास ना हो कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। तो खैर, इतनी अधिक उम्मीदें करना प्रधानमंत्री मोदी से मैं समझता हूँ कि बेईमानी है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भीतर वो तत्व ही मौजूद नहीं है जिनसे हम ऐसी आशा और अपेक्षा कर सकें। जो सबसे बड़ी सहूलियत इस बात के जरिए, वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जो नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाली है, कि अगर चुनावों में घोटाला करना है, ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने हैं, तो केवल एक बार ही ये लफड़ा हो जाए, एक बार ही यह बेईमानी हो जाए, बार बार मुद्दे उठते हैं उछलते हैं, बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, बार बार प्रधानमंत्री मोदी को, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, जनता को जवाब देना पड़ता है, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी जो चुनाव लगभग जो है 36-37 बार होते हैं, संख्या और भी अधिक हो जाती है, तो जब जब घोटाले होते हैं, जब जब घोटाले नज़र में आते हैं, तब तब जो है नरेंद्र मोदी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सुप्रीम कोर्ट को बार बार जवाब देना पड़ता है, बार बार उन प्रक्रियाओं में उलझना पड़ता है। तो इसीलिए झंझट ही ख़त्म कर दो। फिर अगर गुंडागर्दी का भी इस्तेमाल करना हो तो गुंडा तत्वों को किराए पर उठाना पड़ता है, तो उनके लिए बार बार खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए एक बार चुनाव हो जाएगा, एक ही बार हायर करने हैं, उसके बाद जो है वो भी ख़त्म। फिर अगर जनता को जो है प्रलोभन देकर उनका वोट खरीदना है, तब भी अगर बार बार चुनाव होंगे तो
तो बार बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसीलिए साल में बस एक बार पैसा खर्च करना है, उसके बाद जो है उनकी सरकार। यानी कि कुल मिलाकर जिस षड्यंत्र की बू हमें आ रही है वो है राज व्यवस्था की तरफ ले जाने की। क्योंकि जब भारत की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब बाल गंगाधर तिलक बार बार राजशाही के सपने दिखा करते थे कि उनके पुराने दिन लौटेंगे जब भारत में राजतंत्र होगा, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया और भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जगह मिली, राजतंत्र व्यवस्था भारत से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। तो अब जो ये बातें हैं कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको एक तरह समाप्ति कर दीजिए, पार्टियों का अस्तित्व तब बना रहता है जब वे चुनावी प्रक्रिया में यदा कदा जीत हासिल करती रहें। अगर कोई पार्टी लगातार हारती रहेगी तो कहाँ से इतना मनोबल लाएगी, कहाँ से इतना जनबल लाएगी, कहाँ से इतना धनबल लाएगी। लेकिन एक पार्टी को थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो वह जिंदा रहती है, एक आदमी कहीं सीट जीत जाए तो वो पार्टी अस्तित्व में बने रहती है। तो नरेंद्र मोदी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अगर समाप्त करना है तो केवल एक 5 साल का कार्यकाल जिसमें कि विपक्षी पार्टियों के पास कुछ ना रहे ऐसा कुछ कर दें, तो उसके बाद जो है बस देश में राजशाही एक ही दल की सरकार लगातार चलती रहेगी। कहने के लिए दिखाने के लिए इस देश में चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनावों में आप सोचिए कि किस तरीके के चुनाव होंगे। उदाहरण देता हूँ, अभी भी भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने की पूरी पूरी आज़ादी है। क्या आपको इस प्रावधान में आपको पूरी ईमानदारी दिखाई देती है? संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो तो पूरी ईमानदारी से है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम व्यवहारिकता की जांच करें तो चुनाव आयोग ने भी लगभग 15 लाख के आसपास विधानसभा चुनाव में खर्च करने की एक लिमिट बांध दी है, 15 लाख रुपये। अब बताइए अगर हम 15 लाख को भी एक तय सीमा माने खर्च करने की, तो क्या एक आम आदमी, गरीब आदमी झुग्गी में रह रहा है जिसके पास बहुत टैलेंट है, जिसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं है, जब वो चुनाव लड़ेगा तो क्या 15 लाख रुपए खर्च कर पाएगा, क्या 1 लाख रुपए भी खर्च कर पाएगा? वहीं पर दूसरा प्रत्याशी जो कि बीजेपी का होगा या कांग्रेस का होगा, तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जहां करोड़ों रुपए लगाएंगे, तय सीमा छोड़ दीजिए, ये तो केवल जो है चुनाव आयोग को मूर्ख बनाने के लिए और चुनाव आयोग स्वयं मूर्ख बनने के लिए अपने आप उसने तय सीमा निर्धारित की है, लेकिन हमने करोड़ों रुपए का व्यय चुनावों में होते हुए देखा है, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए जो संविधान के अंदर ईमानदारी भरा प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, उसको MLA MP बनने का अधिकार है, लेकिन ये बात बेईमानी साबित हो जाती है जब एक तरफ चुनाव आयोग जो है ये घोषणा कर देता है कि 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। तो 15 लाख रुपए जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव आयोग नहीं देता है कि खर्च करने के लिए, या प्रत्येक प्रत्याशी को जो है जैसे ही उसका नॉमिनेशन हो जाए और चुनाव आयोग या भारत सरकार जो है उसको 15 लाख रुपये उसका अकाउंट डाल दे कि लीजिए आपको इससे चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि जहां जनता जो है कई आधारों पर जाकर वोट करती है, जाति के नाम पर वोट करती है, धर्म के नाम पर वोट करती है, मीडिया में देखकर वोट करती है, अनेकों प्रलोभन से वोट करती है, वहां पर आप कभी भी अपनी जीत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जब आप जीतेंगे नहीं तो चुनाव लड़ेंगे किस लिए? आप अपना समय नष्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी नष्ट करने के लिए चुनाव लड़ेंगे? एक चुनाव लड़ेंगे, दो चुनाव लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं भी MLA बन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आप थक हार कर घर बैठ जाएंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जो कि RSS की कठपुतली हैं और RSS की एक ही सोच कि ये संविधान उनको मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें राजशाही नहीं है, इसमें लोकतंत्र है, और राजशाही नहीं है तो उनकी जो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है उसको वे लागू नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र में कैसे लागू हो पाएगी? किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, जबकि उनकी वर्ण व्यवस्था में तो केवल क्षत्रिय ही चुनाव लड़ना चाहिए और ब्राह्मण उसका परामर्शदाता होना चाहिए। तो इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो संविधान का जो लोकतंत्र है वो लागू है, उस व्यवस्था को ध्वस्त करना RSS की प्रमुखता है। फिर चलिए, तो करेले वाली बात हो गई,
दूसरा, ये जो संविधान जिसके भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई है, ये संविधान किसी ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया नहीं है। नीति बनाने का अधिकार तो ब्राह्मण को है, मनुस्मृति ब्राह्मण ने बनाई, या फिर कहें कि जो भी नियम कायदे कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य के लिए, उसमें जब तक ब्राह्मण का परामर्श ना हो तब तक उसे कैसे आप जो है वैध करार देंगे। और ये संविधान तो एक अछूत के द्वारा बनाया गया है, यानी कि वही कहावत की एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा, कैसे मंजूर करे आरएसएस। तो लगातार ये जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान है, ये लगातार आरएसएस की आँख में चुभ रहा है। तो इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार कही जा रही है, लोगों को भ्रामक तौर पर बनाया जा रहा है। इसके सभी पहलुओं पर जो है लोगों को सच्ची सच्ची बातें नहीं बताई जा रही हैं कि कितना इसमें जो है खर्च एक्स्ट्रा पड़ता है, उसके लिए और क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, या फिर इसके क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे। दोनों बातों को जो है सरकार लोगों के सामने रखे, उसके बाद लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और उसके आधार पर फिर निर्णय हो। वैसे तो भारत के संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान रचयिता, भारत की संविधान समिति इस बात को जानती नहीं होगी या इस बात पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है एक स्वतंत्र पक्ष रखा इसमें कि लोकसभा के इलेक्शन जब जरूरत होगी जब होंगे, संविधान के प्रावधानों के अधीन होंगे, इसी तरह से राज्यों में जब इलेक्शनों की जरूरत होगी तब वहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो इसीलिए इलेक्शन जो है हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए। यही अगर वन नेशन वन इलेक्शन, अगर मान लीजिए कोई भी दल पूर्ण बहुमत में नहीं आता है, 6 महीने सरकार चली, उसके बाद फिर भंग हो जाएगी, फिर दोबारा चुनाव कराएंगे, फिर अगली चुनी गई वो भी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, लगातार अगर पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आ रही है तब आप कितने इलेक्शन कराएंगे, तब भी तो चुनावी खर्च आएगा। तो चुनावी खर्च को अगर बचाना है तो कुछ और सिस्टम को पैदा करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। आपने बैलेट पेपर को ख़त्म करके ईवीएम को लेकर आए, ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल या निशान उठ रहे हैं। इस देश की लगभग 80% जनता, और लगभग मैं कहूँ कि 100% जनता से अगर एक सवाल किया जाए क्या वे ईवीएम की गारंटी ले सकते हैं, तो 100% जनता मना कर दे कि हम ईवीएम की गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर भारत की 100% जनता से ये पूछा जाए कि क्या वे बैलेट पेपर की गारंटी ले सकते हैं, तो वे बैलेट पेपर की गारंटी लेंगे, 100% लोग गारंटी लेंगे। एक तरफ जहाँ पर सभी लोगों को एक व्यवस्था पर पूरा यकीन है, वहाँ पर कोई संदेह नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उस व्यवस्था को नहीं अपनाया जा रहा है, वहीं पर जिस व्यवस्था पर कुछ लोगों को यकीन है, केवल कुछ लोगों को, उस व्यवस्था को जो है प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनाए जा रहे हैं और अपनाने की जिद कर रहे हैं। तो साथियों, हमें जो है इन सभी पहलुओं पर लगातार चर्चा करनी होगी, जांच करनी होगी, भारत में जो मनुवादी सरकारें हैं उनका क्या एजेंडा है, वे इस देश में क्या करना चाहती हैं। एक बात जो मोटे मोटे तौर पर हम जानते हैं, पीछे भी मैंने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर वीडियो बनाया था, उससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया कि किस तरह से इन लोगों का इस देश के लिए कोई त्याग कोई बलिदान नहीं है, इस देश में इस देश के साधनों को कैसे इस्तेमाल करना है, केवल यही नीति है। जिनको त्याग करना था बलिदान करना था वे तो त्याग और बलिदान करके चले गए, जीवन नहीं जिया उन्होंने, चाहे वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों जो मात्र 66 साल की उम्र में डायबिटीज़ के शिकार हो गए। डायबिटीज़ के शिकार क्यों हुए, क्योंकि इस देश के लिए उन्होंने त्याग समर्पण बलिदान किया। चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, या फिर उद्धम सिंह हो, और ऐसे ही कितने ही क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस देश के जो साधन है संसाधन है उनका उपभोग करने की नहीं सोची, इस देश की आज़ादी का उपभोग करने की नहीं सोची, बल्कि इस देश के लिए उनके पास जो भी था उसको न्योछावर करने की सोची। तो साथियों, हमें अपने लिए सच्चे और अच्छे लोगों को पहचानना है, और जो बुरे लोग हैं देशद्रोही लोग हैं उनका लगातार विरोध करना है। तो साथियों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो आपको सही लगती है। क्या नरेंद्र मोदी एक अच्छी नीयत के साथ में इस कानून को आपके सामने पेश कर रहे हैं, या फिर इस कानून की जड़ में आपको किसी षड्यंत्र की बू आती है? तो साथियों, मुझे इन सवालों का कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।